नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में आज हम एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिमालय। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का विभाजन। दोस्तों ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक जटिल रहा है। मैं प्रयास करूँगा कि इस टॉपिक को सरल से सरल बना सकूँ। तो दोस्तों हिमालय का विभाजन हम स्टडी करेंगे। हिमालय के विभाजन को हम दो भागों में बांटते हैं। तो हिमालय के विभाजन में हम हिमालय को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा होता है, दो प्रकार से हम हिमालय को विभाजित करते हैं। पहला है प्रादेशिक विभाजन। इसका अर्थ है प्रदेश के हिसाब से हिमालय को विभाजित करना। जिस प्रकार से राज्य हैं, राज्यों के हिसाब से हिमालय को विभाजन करने का अर्थ कहलाता है प्रादेशिक विभाजन। और दूसरा विभाजन कहलाता है श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर। दोस्तों हिमालय में विभिन्न प्रकार के पर्वतों की श्रेणियां पाई जाती हैं। उन पर्वतों की श्रेणियों के आधार पर हम हिमालय को विभाजित करते हैं। तो हम हिमालय को दो भागों में विभाजित करेंगे, दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। पहला प्रादेशिक विभाजन और दूसरा होगा श्रेणियों के आधार पर। दोस्तों श्रेणियों के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहला हिस्सा होगा ट्रांस हिमालय। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। दूसरा होगा मुख्य हिमालय। पहला ट्रांस हिमालय और दूसरा है मुख्य हिमालय, इसे मेन हिमालय कहते हैं। और तीसरा होगा पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। जो श्रेणियों के आधार पर हम विभाजित करते हैं, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है जम्मू कश्मीर का, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। मुख्य हिमालय को हम अलग अलग भागों में बांटेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसे हम तीन हिस्सों में बांटेंगे। और जो पूर्वोत्तर हिमालय है वो इधर आप जो हिस्सा देख रहे हैं, जो हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में ये जो फैला हुआ है नागालैंड क्षेत्र पर, तो यहां पर आप जो देखेंगे वो होगा पूर्वोत्तर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये क्षेत्र होगा, ट्रांस हिमालय का ये पूरा हिस्सा ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय में हमें चार श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय में सबसे पहली श्रेणी है मेरे प्यारे साथियों, वो है काराकोरम। काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ है मेरे साथियों? काराकोरम आपको यहां देखने को मिलेगा। ये सबसे ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, श्रेणियों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये है काराकोरम। काराकोरम। अब जो हम दूसरी श्रेणी देखेंगे काराकोरम के बाद, वो है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख। तो जो लद्दाख श्रेणी है वो ये लद्दाख श्रेणी आपको यहां दिखेगी। इसका नाम आप लिख लेंगे लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी है, और इस तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी।
तीसरी श्रेणी है यह है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, तो तीसरी श्रेणी जो है वो है जास्कर श्रेणी। एक और श्रेणी है और वो आपको तिब्बत और तिब्बत क्षेत्र पे दिखेगी। इस श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी यहां पे आप लिखें कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय में हमें मुख्यतः चार श्रेणी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आपने इस क्षेत्र में देखा, ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्षेत्र है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र और इसे हम चार श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है कैलाश। आपको याद करना है तो आप इसे बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं, कलज के, के एल जेड के बाद एल आता है याद रखोगे और जेड, तो के कलज जेड के, कलज के एल जेड के एल जेड के। पहला ऊपर काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा जास्कर है और चौथा कैलाश है। ये चार श्रेणियां आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसके बाद हम मुख्य हिमालय को देखते हैं। तो दोस्तों मुख्य हिमालय को भी हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला होगा बृहत हिमालय। पहला कौन सा होगा? बृहत हिमालय। मेरे साथ याद करते चलिएगा, पहला है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इसका एक और नाम है और इसे कहते हैं हिमाद्री। ओके मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसा आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां से देखेंगे जो बृहत हिमालय है वो शुरू कहां से होता है। यहां पर है नंगा पर्वत और ये एक कंटिन्यूअस लगातार इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये रेंजेस, और ये है बृहत हिमालय। ये है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय कहां से शुरू होगा साथियों? ये शुरू होगा यहां पे है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में शिखर है और इसे कहते हैं नामचा बारवा। तो पहला होगा बृहत हिमालय। अब दूसरा होगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय इसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय। तो दोस्तों मध्य हिमालय ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, ये टूटी हुई है। ये आपको जो इसकी श्रेणी है ये प्रदेश, हर प्रदेश में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो जब आप इसकी श्रेणी देखेंगे तो ये विखंडित रूप में आपको मिलेगी। ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअस नहीं मिलेगी, जैसे कि बृहत हिमालय की श्रेणियां आपको देखने को मिल रही कि वो लगातार कहीं भी विखंडन हमें देखने को कुछ जगहों पर मिलेगा लेकिन इसकी कंटिन्यूअस चेन नहीं बनती। तो ये जो दूसरा है इसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय साथियों, मुख्य हिमालय में एक और हिस्सा बसता है और इसे कहते हैं शिवालिक। शिवालिक और इसे लेसर हिमालयास भी बोला जाता है। लेसर हिमालय या लोअर हिमालयास। तो जो शिवालिक है,
पहला होगा बृहत, फिर मध्य, और तीसरी चेन आपको देखने को मिलेगी वो होगी शिवालिक की। ये भी लगातार आपको देखने को नहीं। अब आप बस एक मुख्य बिंदु समझिएगा कि जो तीनों चेन हैं ये सब एक पॉइंट पे मिलने लगती हैं। लास्ट लास्ट पे आपको ये सारी चेन मिलती हुई दिखेंगी। ये है शिवालिक। शिवालिक जब आप बात करते पूर्वोत्तर हिमालय की, जो पूर्व की तरफ है, तो पूर्वोत्तर हिमालय, अब चूंकि जब मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भारत था, भारत जब यूरेशिया प्लेट से टकराया, भारत एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, और जब भारत यूरेशिया प्लेट से टकराता है तो ये क्या हो रहा था, ये अभी भी एंटी क्लॉक आप देखेंगे इस तरफ ये मुड़ता जा रहा है। तो आप यहां पे देखेंगे यहां भी हमें हिमालय का निर्माण देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर हिमालय में यहां पर आप देखेंगे ये है पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय और इसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी निर्माण हमें देखने को मिलता है। इसकी श्रेणियां म्यांमार में भी हैं। तो ये जो है ये पूर्वोत्तर हिमालय है। यहां पर आप लिखेंगे पूर्वोत्तर हिमालय। इसके बाद जब हम प्रादेशिक विभाजन करेंगे, मतलब हम प्रदेश के आधार पर विभाजन करेंगे, तो प्रादेशिक विभाजन को हम देखेंगे कि इसे भी चार हिस्सों में बांटा जाता है। प्रादेशिक विभाजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय दूसरा जो हम पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर, दूसरा हिमालय हम पढ़ेंगे वो होगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय पंजायू हिमालय पहला आपने पंजाब हिमालय पढ़ लिया, दूसरा कुमायूं हिमालय पढ़ लिया, तीसरा हम प्रादेशिक विभाजन जब पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और हम केवल अभी केवल समान परिचय जान रहे हैं कि कौन सी जो आपको श्रेणियां हैं या हिमालय का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है। बस मैं आपकी सामान्य मैपिंग करा रहा हूं, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा हिमालय हम जो पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर वो होगा नेपाल हिमालय। मेरे प्यारे साथियों क्या पढ़ेंगे बोलो, हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। और फिर हम जो चौथा हिमालय पढ़ने वाले हैं और वो होगा असम हिमालय। असम हिमालय असम हिमालय इस प्रकार से हम हिमालय का विभाजन करते हैं दो हिस्सों में, प्रादेशिक विभाजन और श्रेणियों के आधार पर। तो प्रादेशिक विभाजन में चार हिस्से हैं, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो म्यांमार में जो हिमालय का हमें श्रेणी देखने को मिलता है पूर्वोत्तर हिमालय, इसे हम बोलते हैं अराकान योमा। वहां पर पूर्वोत्तर हिमालय को म्यांमार में, चूंकि भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, तो ये जो पड़ोसी देश है यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है इसे बोला जाता है अराकान योमा। क्या बोला जाता है? अराकान योमा। इतनी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं अब इसे मिटाने वाला हूं और हम पढ़ेंगे, हम एक जनरल इंट्रोडक्शन अब लेंगे इन सभी जो आपने मुख्य हिमालय है, ट्रांस हिमालय, इन सब का हम जनरल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें आप। अब हम थोड़ा विस्तृत तो नहीं, क्योंकि हम एक एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर आपको देंगे, आप बस
एक जनरल इंट्रोडक्शन जान लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने श्रेणियों के आधार पर तीन हिस्सों में बांटा था। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय था और तीसरा था पूर्वोत्तर हिमालय। तो जो मुख्य हिमालय का हम मुख्य हिमालय में आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम थोड़ा जानते हैं कि मुख्य हिमालय क्या है। तो मुख्य हिमालय किसको मिलके बनता है? मुख्य हिमालय तीन, अगर सवाल आ जाए लिखने को मुख्य परीक्षा में, ये लिखने को आ जाए बताइए कि मुख्य हिमालय के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? जनरल एक पॉइंट आपके दिमाग में मैं ऐप करा रहा हूं। सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि मुख्य हिमालय किनको मिलके बनाता है, किनको मिलाकर बनता है। तो मुख्य हिमालय तीन, बृहत हिमालय, तीन श्रेणियां हैं, बृहत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को मिलाकर के बनता है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे, क्लियर? ये बात आपको समझ में आई कि मुख्य हिमालय किनको मिलाकर के बनता है? बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहत हिमालय को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालयास या फिर हिमाद्री, और मध्य हिमालय को हम कहते हैं मिडिल हिमालयास, और शिवालिक को कहते हैं लेसर हिमालयास या फिर बा हिमालय। अब दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि मुख्य हिमालय का विस्तार बताएंगे कि मुख्य हिमालय की लंबाई कितनी है। तो आप बताएंगे कि मुख्य हिमालय की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, ये 2500 किलोमीटर तक है। तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे मुख्य हिमालय के बारे में कि नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक फैला हुआ है। तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? नंगा पर्वत जो कि लद्दाख में है, से लेकर नामचा बारवा तक फैला है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला पॉइंट आपने ये लिखा, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, लंबाई। अब एक पॉइंट और लिखेंगे, यहां पर गोर्ज जो इसका मुख्य हिमालय का सबसे पहला पॉइंट है, गोर्ज बनाती सिंधु नदी। गोर्ज मतलब होता है एक बहुत बड़ा खड्डा, बहुत बड़ा गड्ढा। जैसे अब यहां से सिंधु आ रही है तो नंगा पर्वत पे ये लद्दाख को काटते हुए गोर्ज बनाती, तो सिंधु नदी भारत का सबसे गहरा गोर्ज बनाती। बावन सौ मीटर का गोर्ज क्या होता है? गोर्ज एक गहरा खड्डा होता है। वो कैसे किसको काट के बनाती है? लद्दाख श्रेणी को काट करके बनाती है। एक गहरा खड्डे का निर्माण करती है और किसको काट करके बनाती है? लद्दाख श्रेणी को ये काटते हुए एक गहरा गोर्ज बनाती इस प्रकार से, और जिसकी 5200 मीटर, आप जो कितने मीटर का है? 5200 मीटर का। एक पॉइंट और आप लिखेंगे कि जो इसका विस्तार है मुख्य हिमालय का, मुख्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो मुख्य हिमालय का विस्तार भी लिख लेंगे आप कि मुख्य हिमालय का विस्तार सिंधु नदी गोर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक है। इसका इतना लंबा विस्तार है, सिंधु नदी के गोर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक। अब यहां पर जो सिंधु नदी है वो आपको जो ये आपको दिखेगी, यहां पे ये वाला जो रीजन है वो पीओके में गिल्डिस्तान है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का गोर्ज है आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो
था मुख्य हिमालय के बारे में एक जनरल परिचय। तो मुख्य हिमालय के बारे में यदि आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा तो भी आप लिख सकते हैं। मुख्य हिमालय में सबसे पहला है बृहत हिमालय, ठीक है, इसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। तो थोड़ी बातें हम बृहत हिमालय के बारे में भी जान लेते हैं। बृहत हिमालय तो बृहत हिमालय को तीन नामों से जाना जाता है। पहला है हिमाद्री, पहला नाम है हिमाद्री, इसे हिमाद्री कहा जाता है, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, और ग्रेटर हिमालयास के नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय में आप एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, वो है कि इसकी ऊंचाई। आपको जो लंबी ऊंची ऊंची चोटियां दिखेंगी, जो सर्वाधिक हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां दिखेंगी, वो सभी आपको बृहत हिमालय मिलेंगी। तो इसकी जो मतलब हम औसतन ऊंचाई देखें चोटियों की वो है 6000 मीटर। तो 6000 मीटर औसतन ऊंचाई है चोटियों की। आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, किसी बुक में 8850 मीटर भी दिया है। तो आप दोनों डाटा देख सकते हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय में है, लेकिन इसकी स्थिति भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। आपको माउंट एवरेस्ट इस क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बृहत हिमालय में पाई जाती है, और जिसकी स्थिति नेपाल पे है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बृहत हिमालय में यहाँ पे कौन सी सबसे ऊंची चोटी होगी जो आपको देखने को मिलेगी, वो होगी कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। अब लगभग इस 8600 मीटर आप याद रखेंगे। ये सिक्किम राज्य पर है। किस राज्य पर है? भारत के किस राज्य पर है? ये सिक्किम राज्य पर है। और ये भारत की बृहत हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो कि ट्रांस हिमालय में है। लेकिन हम बात करें बृहत हिमालय में, तो बृहत हिमालय में कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी, जो कि सिक्किम राज्य पर है। दोस्तों, आपने मुख्य हिमालय जान लिया और बृहत हिमालय जान लिया। अब हम जानते हैं मध्य हिमालय के बारे में, थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं कि हम अभी इसके बारे में बहुत गहन चर्चा करने वाले हैं। एक एक वीडियो आने वाले जो लेक्चर्स में एक एक वीडियो बनेगा। तो यदि आपको कोई भी प्रकार की कॉन्सेप्ट में दिक्कत या क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जब लाइव चैट चल रहा होता है। तो ये देखते हैं मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं, मिडिल हिमालयास। दोस्तों, मध्य हिमालय मैं आपको बता चुका हूं, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये लगातार ही श्रेणी नहीं चल रही है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड है, ये कहीं ना कहीं इसकी श्रेणियां विखंडित है, टूटी हुई है। तो इसे हम चार हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होगा जम्मू कश्मीर। पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, रटना नहीं आपको। अब दूसरा राज्य आप याद करेंगे, दूसरा राज्य
हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य उत्तराखंड, पहला राज्य जम्मू कश्मीर, दूसरा राज्य आप याद करेंगे वो होगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा होगा नेपाल। तो ये चार श्रेणियों में बांटा गया है, पहला है जम्मू कश्मीर JNK, दूसरा हिस्सा होगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा होगा उत्तराखंड और चौथा होगा नेपाल। तो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय में जो श्रेणी है इसका क्या नाम है? तो इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। यह है पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? धौला धार श्रेणी। उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? नाग टिब्बा या फिर मसौरी श्रेणी। और नेपाल में इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो ये चार श्रेणियों में बटा हुआ है, पहला पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, तीसरा नागटिब्बा और चौथा है महाभारत श्रेणी। यहां पे मध्य हिमालय की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो मध्य हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम आप याद कर लें, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी जो कि UK में है, उत्तराखंड या उत्तरांचल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। ये हो गया मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय के बारे में बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब हम सीधे जान लेते हैं थोड़ी सी बात। ट्रांस हिमालय के बारे में हम कर चुके हैं, अब हम जान लेते हैं प्रादेशिक विभाजन के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, उस क्षेत्र को भी हमने थोड़ा चार श्रेणियों में बांटा था, बाकी हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं, ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है साथियों, ये यहां पर हमें चार श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला कौन सा श्रेणी है? काराकोरम। दूसरी श्रेणी कौन सी है? लद्दाख। और तीसरी श्रेणी कौन सी है? जास्कर, आपको इसी क्रम में याद रखना है। और चौथी कौन सी है? कैलाश। याद करने का तरीका कलज के। तो जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और यहां पर लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राकापोशी, राकापोशी। ये थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम जानते हैं प्रादेशिक विभाजन, इसके बारे में हम जानते हैं और हमारा फिर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, प्रदेश के आधार पर इसका विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका विभाजन किया था सर बुराड़ ने। और जो प्रादेशिक विभाजन सर बुराड़ ने किया था वो किस आधार पे किया था? तो सर बुराड़ ने प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पे किया था। ये आप पॉइंट्स को याद रखेंगे, नदियों के आधार पर किया था। जिस प्रकार से नदियां इन प्रदेश में बहती हैं उस हिसाब से हिमालय का विभाजन कर दिया था सर बुराड़ सर ने। अब यहां पर आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस आप यहां पर मैं चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट को आप देखिए और आपको याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं प्रादेशिक विभाजन, सबसे पहला होगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय।
सबसे पहला होगा पंजाब हिमालय, दूसरा आप पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, तीसरा आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी नदियों के बीच हम पंजाब हिमालय बोलेंगे, कौन कौन सी नदियों के बीच हम कुमायूं हिमालय बोलेंगे, तो ये हम सारी चर्चा करेंगे आपसे, बस आप इस चीज को ध्यान दें, पहला पंजाब, दूसरा कुमायूं, तीसरा होगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, और चौथा प्रादेशिक विभाजन किया था इसे कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। तो इन चार भागों में प्रादेशिक विभाजन किया था सर बुराड़ ने नदियों के आधार पर। तो जो पंजाब हिमालय है यहां पर आपको याद रखना है यहां पे कौन सी नदी है, यह है सिंधु नदी, और यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश पे एक नदी दिखेगी उसे कहते हैं सतलज। तो पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच में है, यह है सिंधु और सतलज नदी के बीच में। तो यह पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि पंजाब हिमालय किसके बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में। अब सतलज के बाद कुमायूं हिमालय शुरू हो जाएगा और ये कहां तक चलेगा, काली नदी, जब वो मैदान में प्रवेश करती है तो उसे शारदा बोलते हैं। तो ये कहां तक जाएगा, सतलज नदी से लेके काली नदी तक। अब हमें नेपाल देखना है, तो इस क्षेत्र पर ये जो नेपाल का डिवीजन है, नेपाल हिमालय है, ये होगा काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक। जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय कहां से होगा, ये काली नदी से लेके तीस्ता तक होगा। तीस्ता नदी कहां पे आपको दिखेगी, मैं आपको बता दूं जो ये काली नदी है ये उत्तराखंड, यहां पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर में दिखेगी आपको। तो ये काली नदी को आप ध्यान देंगे कि काली नदी जो है ये आपको उत्तराखंड और नेपाल की सीमा में बहती दिखेगी, मैप में आप देखते चलेंगे। तो ये काली नदी से लेकर के ये तीस्ता नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और तीस्ता नदी कहां पे है, ये है सिक्किम में, किस राज्य में है, सिक्किम राज्य। अब इसके बाद आखिरी है जो सिक्किम राज्य है, यहां पे तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है, और ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो आप टेरिटरी देख रहे हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिंधु और सतलज नदी है, पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी काराकोरम पे केटू होगी, केटू सर्वोच्च चोटी होगी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, और किस राज्य के में पड़ता है, ये उत्तराखंड राज्य पे पड़ता है। तो यहां पर होगा नंदा देवी, यहां की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, नंदा देवी। और नेपाल हिमालय, नेपाल नाम से पता चल रहा है, नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट याद रखना है, भूलना नहीं है। असम हिमालय, असम हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, असम हिमालय चूंकि तीस्ता नदी से लेके अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी तक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और सबसे ऊंची चोटी है नामचा बारवा, नामचा बारवा। तो सबसे ऊंची जो मैंने आपको केवल फ्लो चार्ट से इन सभी चीजों को याद करा दिया। तो दोस्तों ये था केवल हिमालय का विभाजन श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, आपने पूरा डिटेल पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में सबसे पहले हिमालय के उस भाग को पढ़ेंगे जो सबसे पुराना था, और वो है ट्रांस हिमालय।
तो हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने वाले अगले लेक्चर में। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, और वो जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबाना ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।